वेलकम टू माइंड्स एंड फोटो फर्स्ट ब्लॉग, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हम घर से ही निकले थे, उस समय का है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिए। सो व्यू का मजा लीजिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो ये सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था। हम क्योंकि शाम के वक्त निकले थे 4-5 बजे, तो ये सनसेट होने वाला था कुछ टाइम बाद में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हम डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले, फर्स्ट डेस्टिनेशन ही हमारी, हमको दूसरी जगह भी जाना है अभी। सो देखिए पहुँच गए हम। सो हमने यहाँ कुछ फोटोज़ और वीडियोस बनाए थे, सो आगे देखिए पूरा वीडियो। सो ये मंदिर है, जैसे कि आपको दिख रहा है शिव जी का है, शिवलिंग। तो ये यहाँ का गार्डन है, यहाँ पे एक मूर्ति भी है शायद से, हाँ छोटी मूर्ति है दुर्गा जी की, ये भारत माता की भी। पूरा वीडियो देखिएगा। तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे फोटो खींचना मना था, पर मैंने ऐसी वीडियो बना चुकी है। सो देखिए ये छुपके से हमने वीडियो बनाई थी और फोटो भी खींची थी, सब देख सकते हैं। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो यहाँ से डेस्टिनेशन बहुत पास में था,
पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। और हम नदी पे जा रहे हैं अभी, पहले हम मंदिर जाएंगे फिर नदी पे जाएंगे। यहाँ एक और मंदिर है, क्योंकि यह सेकंड डेस्टिनेशन था। तो देखिए, आप जो अभी आपके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो कोल माइन की चैन है जो कोयला ले जाती थी। अभी रुकिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा उसका। कोल माइन बेल्ट है ये, देखना अभी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ से कोयला जाता था बेल्ट के द्वारा, और ये देखिए ये खिंचाता था यहाँ से। सो देखिए अच्छे से, सो हम डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने वाले हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ से बस पार होना है, और कुछ कच्चा रास्ता है, फिर वहाँ से पार होके हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। सो देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोयला का है। ये व्यू हमको अच्छा लगा था, हमने कैप्चर किया है। यहाँ से भी रास्ता था, पर हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से मंदिर पास में पड़ेगा और उधर से नदी जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। तो देखिए डेस्टिनेशन आ गया है जी, हम पहुंच चुके हैं। बस हम गाड़ी पार्क करते हैं और ये देखिए हम उतर चुके हैं, अब मंदिर जा रहे हैं हम। इसके बाद हम नदी पे जाएंगे, तो जब तक के लिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो ये मंदिर का व्यू है, यहाँ भी फोटो खींचना मना है। सो पहले हम गणेश जी देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ अंदर जाएंगे शिवलिंग देखने को। सो देखिए ये गणेश जी है यहाँ के, ये शिवलिंग है। जैसे कि आपको दिख रहा है, सो ये छोटा शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी है ये शनिदेव छोटे, हमने ऐसे छोटा सा वीडियो बनाया था यहाँ पे बैठ के। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ फोटोज भी खींची थी। सो ये कुछ फोटोज है हमने खींची वाली, आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसी नदी। देखने जा रहा हूँ मैं, देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर व्लॉग पसंद आता है तो शेयर करिए दूसरों के साथ। स्टे ट्यून्ड। चलिए यहाँ से थोड़ा तेज चलते हैं, पहले हम छोटी नदी पे जाएंगे, उसके बाद बड़ी नदी जाने वाले हैं। सो पूरा वीडियो देखिएगा एंड एंजॉय द व्यू। आप जो सामने अभी देख रहे हैं ये पुराना हनुमान मंदिर है। देखिए अभी हम पास में जाएंगे। हाँ देखिए ये पुराना हनुमान मंदिर है यहाँ का। सो चलते हैं छोटी नदी पे। सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं। ये है छोटी नदी और ये हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची थी वहाँ से छोटी नदी पे से। सो हम पहुँच चुके हैं बड़ी नदी। सो जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ पर पत्थर है बहुत सारे बड़े बड़े और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। सो मुझे तो ये पानी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर का सीन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। सो ये कुछ फोटोज है यहाँ की। आई होप आपको पसंद आएंगी। ये कुछ बर्ड्स उड़ रहे थे वहाँ पे, ये पानी के अंदर का है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये व्यू है, हम कुछ पत्थरों के ऊपर भाग रहे थे उस समय का। सो ये पत्थरों के ऊपर से व्यू था जैसे कि आपने इसके पहले देख चुके हैं। ये देखिए पानी में मछली थी जो हमें देख के छुप चुकी है, छोटी थी पर वो मछली बहुत। सो ये देखिए मुझे तो ये व्यू बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच भी रहा हूँ कि यहाँ पे फ़ोटो शूट किया जाए। सो हो सकता है यहाँ पे बहुत जल्दी हम फ़ोटो शूट के लिए आए और फ़ोटो शूट व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा अगर यहाँ फ़ोटो शूट हो पाया तो हमारा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इन्जॉय कीजिए ये व्यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और अभी देखिए मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ से बहुत अच्छा पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा था सन का। सो ये देखिए ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो रिफ्लेक्शन है वाटर में हेक्सागोनल रिफ्लेक्शन आ रहे थे एकदम लाइन में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। सो एंजॉय। और ये वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप इसे। सो ये मैं पानी में बैठा था पैर डाल के, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा। सो कुछ फोटोज़ है आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे क्लिक की थी, हमें तो बहुत अच्छे लगे थे ये व्यू इसलिए हमने क्लिक किए। ये वाला व्यू हमें बहुत पसंद आया था क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही थी यहाँ पे पानी में सन की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, ये देख सकते हैं आप। चलिए कुछ थोड़ा आगे और चलते हैं।
सो ये देखिए, मैंने कुछ वीडियो बनाए थे छोटे से शॉर्ट्स के लिए, और शॉर्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाला है इसके ऊपर। मैं यहाँ पे आ तो चुका था पर जाने का रास्ता नहीं था, फिर हम वापस वहीं से आए जहाँ से गए थे। तो चलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, सो रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए, पर उससे पहले कुछ फोटोज। ये सनसेट, ये पेड़ है वहाँ के, मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसके डिजाइन कुछ, तो देखते हैं। ये आपने देख चुकी है ये वाली फोटो, सो ये पानी था तो हम इधर से जा नहीं सकते, जूते पहने थे क्योंकि, सो यहाँ से चलते हैं। सो हम वापस जा रहे थे, हमने ये व्यू दिखाया नहीं था इसलिए हम वापस से दिखा रहे हैं। सो ये मंदिर की तरफ का व्यू है, और हमने यहाँ शॉर्ट्स के लिए वीडियो भी बनाई थी। सो ये देखिए कुछ क्लिप है, ये हमने दो बार शूट किया था। सो मुझे सेकंड वाला बहुत अच्छा लगा था, सो ये क्यों, चलिए हम वापस जा रहे हैं। सो मैं कुछ आपको सनसेट व्यू दिखाने वाला हूँ इसमें, सो पूरा वीडियो देखना, देखिए लास्ट तक एकदम। सो वही हम कच्चे रास्ते से वापस जा रहे हैं, और मुझे तो इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, आप आगे देखिए बहुत अच्छे अच्छे व्यू है यहाँ पे। और कुछ फोटोज भी खींची थी हमने जो कि अभी आने वाली है। सो ये हिल चुकी है पूरी वीडियो, सो ये कुछ फोटोज थी। सो चलिए वापस जा रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर फोटोशूट हमारा होगा तो बहुत अच्छा होगा, हम आएंगे कभी यहाँ पर फोटोशूट के लिए। सो वही रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, कोल बेल्ट है ये, जैसे ये हमारे पूरे सिटी तक जाता है यहाँ से लेके, हम जहाँ आए हैं ये हमारी सिटी से 10-20 किलोमीटर दूर है। ये कोल बेल्ट यहाँ से हमारी सिटी तक जाते हैं 10-20 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो यहाँ का पावर स्टेशन है, आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय कर ही रहे होंगे, अभी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए। सो ये फोटोज थी हमने, ये रेनबो टाइप का दिख रहा था,
सो कुछ फोटोज है और लास्ट में वीडियो ख़त्म होने तक देखते रहिए। सो कुछ फोटोज खींची थी हमने जो अभी हम दिखाने वाले हैं, ये देखिए। सो सिनेमैटिक टाइप वीडियो हमने बना चुकी थी ये ट्रक के साथ। ये देखिए, ये शाम का वक्त जो होता है कुछ सिनेमैटिक टाइप वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो ये सिनेमैटिक वीडियो देखने के लिए देख स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देखिए। ये हम 70-80 की स्पीड से जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ठंड थी, मैं ऊपर खड़ा होके वीडियो बना रहा था, आप सोच ही सकते हैं। सो हमने इस ट्रक के भी साथ कुछ सिनेमैटिक टाइप का ट्राई किया है वीडियो में। सो पूरा देखिए, मुझे खास तौर पर बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हमने इसे ओवरटेक करके निकले थे। ये देखिए, वो भैया मुझे ही देख रहे थे ट्रक वाले। सो हम पहुंच चुके हैं, ये कुछ फोटोज है हमने यहाँ पे खींची है, ये देखिए। सो यहाँ बहुत बड़ा ब्रेकर है इसलिए धीरे करना पड़ा गाड़ी। सो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं, बस की भी हमने फोटो खींची थी, ये देखिए। और यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटो खींची थी, आपको आगे और फोटो मिलेंगे सिनेमैटिक टाइप की थोड़ी। सो ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा है, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें। सो देखिए सिनेमैटिक टाइप, चलिए कुछ फोटोज बची है, इसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।